हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग आज अध्याय 3 लेके आए हैं। जैसे कि अध्याय 3 और यूनिट 2, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अध्याय 1 और अध्याय 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आइए हम लोग अध्याय 3 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करें। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि हम लोग का जो हमारा अध्याय 3 है, विद्युत धारा है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। आइए हम लोग आज के का प्रश्न शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियम को, औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुगमन वेग कहते हैं। चलिए फिर से समझ लें, किसी चालक के इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक औसत वेग से, औसत वेग का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक एवरेज वेलोसिटी से, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, एक एवरेज वेलोसिटी से या औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार प्रवाहित हुए इलेक्ट्रॉन्स को या धारा को, औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। चलिए दूसरा समझ लेते हैं इसी का और, कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब एक सेकंड में बच्चों कितनी धारा प्रवाहित होती है, हम उसे धारा घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी, के मतलब एक सेकंड में कितना फ्लो होता है। बच्चों, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है? ओम का नियम लागू होने की शर्तें या अनिवार्यता है क्या है? बच्चों, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है, सिर्फ ओनली मेटल कंडक्टर के लिए। बच्चों, किसके लिए? मेटल कंडक्टर के लिए। चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाए, बच्चों किसका? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। यदि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पर ओम का नियम बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ओम का नियम लागू होने के लिए अनिवार्यता यह है कि चालक की भौतिक अवस्था, जैसे लंबाई, ताप में परिवर्तन ना हो। बच्चों, यदि मान लेते हैं कि एक हमारे पास मेटल है, क्या मान लेते हैं कि मेटल है ये, इस मेटल में हमें बच्चों इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करानी है, यानी कि ओम का नियम लागू करना है। तो ओम का नियम ये है कि इसके लंबाई और इसके ताप में कोई परिवर्तन ना होना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि यदि हम चालक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं, क्या कराते हैं? इलेक्ट्रॉन को फ्लो। तो इसके जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो या वोल्टेज, ठीक है ना, करंट इसमें हम फ्लो कराएं, तो इसके लंबाई में और ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर ओम का नियम लागू होगा। अगला, उन दोनों या उन दो परिस्थितियों को लिखिए जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। बच्चों, ताप परिवर्तन और तार की लंबाई, जैसा कि पिछले में हम बता चुके हैं। बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको आप देख के जाइए कि ओम का नियम कहाँ पर लागू नहीं होता है। तो ये तो ताप में परिवर्तन, यदि किसी वस्तु में यदि ताप में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। यदि उसके तार की लंबाई में परिवर्तन हो रहा। बच्चों, अगला, कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। किसी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के बच्चों अनुप्रस्थ काट हम समझ लेते हैं कि अनुप्रस्थ काट ये मान लेते हैं कि क्या है बच्चों हमारे पास? एक तार है। एक क्या है? तार। तो ये तार है तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो यदि हम मान लेते हैं कि इस साइड का क्षेत्रफल, कहाँ का बच्चों? इस साइड का
और इस साइड का, दोनों का कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल होगा। और एकांक लंबाई के तार जिसकी लंबाई क्या हो, एक हो, के प्रतिरोध को उसको विशिष्ट प्रतिरोधकता या बच्चों इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, और इसका विमीय सूत्र होता है Ml3t-3a-2। आइए अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि इसका SI मात्रक पूछ लेता है या इसका विमीय सूत्र। तो इसका SI यूनिट या विमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसके बाद आपको एक ही धातु के समान लंबाई के किंतु विभिन्न व्यास के 2 तार दिए गए हैं, किसका प्रतिरोध अधिक होगा, किस तार का विशिष्ट प्रतिरोधकता अधिक हो, पहले समझने का प्रयास करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 तार हैं, कितने तार हैं बच्चों, 2 तार हैं। ओके ले लेते हैं, चलिए हम लोग ले लेते हैं जी, हमारे पास तार कितने हैं, 2। एक तार ये है, दूसरा तार क्या है बच्चों हमारे पास, एक ये। दोनों का पतले तार जिसका व्यास कम है प्रतिरोध अधिक होगा। अब आप जानते हैं कि जिस तार का मोटाई यानी कि व्यास कम होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज़्यादा, प्रतिरोध ज़्यादा तो क्षेत्रफल कम, या क्षेत्रफल ज़्यादा तो प्रतिरोध कम, या क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज़्यादा, ये एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं। कैसे काम करते हैं बच्चों, इन्वर्सली व्युत्क्रम काम करते हैं। कैसा व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध होगा जो बच्चों वो समान होगा, क्योंकि दोनों एक ही धातु, देखिए दोनों एक ही धातु होने के कारण इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो समान होगा, लेकिन इनका प्रतिरोध क्या होगा, कम और ज़्यादा। पतले का प्रतिरोध, पतले तार जिसका प्रतिरोध अधिक होगा क्या होगा बच्चों, जिसका व्यास कम होगा तो प्रतिरोध अधिक। चलिए किसी चालक की चालकता को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक बताइए बच्चों। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। मतलब 1/2 चालकता बराबर क्या होगा बच्चों, चालकता बराबर 1/2 प्रतिरोध, इसका मात्रक मोह या साइमन होता है, मोह या साइमन, इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, राइट जी। ओके विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए है सदिश बच्चों। एकदम आप एक भी मिनट या एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है। अब आपको कंटिन्यू लगातार इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए, यह सदिश राशि या अदिश। बच्चों विद्युत धारा आप जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। बच्चों ये मान लेते हैं जैसे जल की धारा, दूध की धारा, पानी की धारा, वैसे बच्चों किसकी धारा होती है, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की धारा होती है, किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ओके बच्चों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, उसको फ्लो होने के लिए आपको जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ बहता है तो उसको एक फोर्स दिया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए हम यहाँ पर बल का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज, क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। बच्चों विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। बच्चों यह है एक अदिश राशि, इसका मात्रक अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अगला हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है, क्यों। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि ठंडे दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक तथा गर्म दिनों में कम होता है, आंतरिक प्रतिरोध ध्यान रखना, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास जो बैटरी होती है, क्या होती है बच्चों, बैटरी, ये बैटरी,
बच्चों बैटरी में आप जानते हैं कि 6 प्लेट होती हैं, कितनी प्लेट होती हैं, 6 प्लेट होती हैं। यहाँ पर बना देता हूँ एक, यहाँ पर दो, तीन, चार और ये पाँच और ये 6। टोटली कितनी प्लेट होती हैं, तो 6 प्लेट होती हैं। आप जानते हैं कि हर एक प्लेट में बच्चों 2 वोल्ट की क्या होती है, करंट होती है। हर एक में कितने वोल्ट की करंट होती है, 2 वोल्ट की करंट होती है। तो ठंडे दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है बच्चों। क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, गर्म दिनों में कम होता है। इस प्रकार क्यों, क्योंकि इसमें 6 प्लेटें होती हैं, 6 प्लेटों के अंदर यहाँ पर HCl H2SO4 डाला होता है। ठंडी दिनों की तुलना में गर्म दिनों में बैटरी से अधिक धारा प्राप्त होती है। क्या होती है बच्चों, गर्म दिनों में बैटरी से अधिक, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ठंड का टाइम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होने की गति होती है थोड़ा सा कम हो जाती है, अतः कार इंजन को चालू करना आसान हो जाता है। अतः इसलिए ठंड के दिनों की तुलना में थोड़ा सा कठिन होता है इंजन को चालू करने में, लेकिन गर्मियों के टाइम में क्या हो जाते हैं, अधिक। ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए बच्चों, ओम के नियम की 2 सीमाएं। तो ओम के नियम आप जैसा कि जानते हैं, यह है बच्चों ओम का नियम, क्या है ओम का नियम, ओके। तो आप जानते हैं कि यह है ओम का नियम बच्चों। ओम का नियम कुछ इस प्रकार से भी, एक मिनट, ये भी और आई, भी और आई के मध्य क्या बनता है, ग्राफ बनता है। क्या बनता है बच्चों, ग्राफ। कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए, किसके लिए, धात्विक चालकों के लिए। और ओम के नियम के परिचालक के लिए चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन रहने चाहिए। क्या होने चाहिए, रहने चाहिए। किरचाप का बोल्टता नियम बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न है ये। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो कन्फर्म है कि इस बार इसका डेरिवेशन आएगा। तो बच्चों बिल्कुल पढ़ के ही जाना है आपको। इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणित योग के, उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। IR, B इक्वल टू IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है बच्चों, E के बराबर होता है, ओके। अगला जो हमारा प्रश्न है कि क्या कारण है कि आप बच्चों इसको देख लेना, ये काफ़ी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये जो हमारे पास है प्रश्न, अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे लंबाई, चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब जितनी चालक की लंबाई बढ़ाएंगे बच्चों उतना प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। व्यास, चालक का व्यास बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कम होता है। व्यास बढ़ा देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान, चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। बच्चों ओम का नियम क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले। बच्चों ओम का नियम हम पहले भी बता चुके हैं, आइए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। बच्चों ये रहा आज का हमारा, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस को पढ़े हैं, और आपको लगातार हमारी ये जो सीरीज चल रहा है, चाहे वो फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, केमिस्ट्री का हो, लगातार आप बने रहिए। हम लोग लगातार इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेके आएंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, हम लोग लगातार, हमारी टीम आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है या प्रयास कर रही है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों तक, जो बच्चे बेचारे उन तक नहीं पहुंच पा रही, तो ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।